कैसे हैं आप लोग। आज मैं सिमरन का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज वो सुबह से पता नहीं क्यों गुस्सा है, सही से बातचीत नहीं कर रही है, लड़ रही है। तो अभी दिखाता हूँ वो गुस्सा क्यों। सुबह से रो रही है, क्या प्रॉब्लम है बता भी नहीं रही है। चलो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है, तो पूछते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या बताती हैं वो। ओए ओए मैडम, मम्मी क्या हुआ? तू डाटा है इसलिए रो रही है। क्या डाटा हो बता। ओह ये तो 100 किलो का बोरा और रखा है वैसे बैठी है। लगी नहीं रही है कहीं से। जैसे बोरा वोरा भर के कुछ सामान वामान ही रखा जाता है, जैसे कुछ मैं रख दो कुछ कपड़ा वपड़ा, वैसे ही लग रही है सोफे पे। ए वो खोल दे, मुंह खोलो, खोलो मुंह खोलो। देख सकते हैं इनको कैसे पूरा सोफे में समा गई है। सोफा भी छोटा हो रहा है उनका। आओ कहाँ रो रही हो, इधर आ रहे हैं कैमरे में आओ पहले तुम। मेरा पहलवान गजादान मकरदान कुश्ती प्लेयर मेरा, अगले साल ओलंपिक में तुम्हें कुश्ती में लाऊं। समझ रहे हो आप परेशान ना हो, अगले साल तुम कुश्ती लड़ोगी इंडिया की तरफ से। तो ये कुश्ती के लिए परेशान है, इंडिया पाकिस्तान में कुश्ती जल्दी ही होगी। इनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कुश्ती के लिए, देख लीजिए इनकी शक्ल। ये आज ही लड़ना चाहती हैं कुश्ती, लेकिन मैंने बोला रुके रहो, ठंडी बहुत है मार्च वर्च में करवाएंगे। तो ये खुशी के आंसू हैं कि ओलंपिक में सिलेक्ट हुई हैं, ये देख सकते हैं ये पहलवान हमारी सिमरन दुबे, कैमरामैन भास्कर दुबे के साथ। अरे बताओ क्या हुआ, इतना तेज आंसू आ रहा है, बाप रे बाप, चारों तरफ से बह रहा है आंसू, इस कोने उस कोने बीच, ये तो इंदिरा डैम हो गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो अभी खाएंगे फिर घूमने चलना है। चलो रो नहीं, किसकी याद आ रही, मम्मी की याद आ रही क्या? अरे बताओ, चलो रो नहीं, किसकी याद आ रही, मम्मी की याद आ रही क्या? अरे बताओ, क्या रो रही हो? चलो वीडियो बंद करते हैं भैया, रो रही हैं, इनको चुप कराना नहीं हो रहा है। क्या होता? तो इनके दर्द रोने का कारण ये है कि इनके पैर में दर्द हो रहा है रुक रुक के, तब ये उबी आ चुकी हैं कि बस अब नहीं हो पा रहा है हमसे। आप डांटे भी हो? डांटा तो मैं जितना डांटा नहीं उतना ज़्यादा तुम रो दी हो। हाँ तो सारी चीज़ें एक ही बार हावी हो गई। समझ रहे हो आप अब ये उबी आ चुकी हैं, बोलनी जल्दी से, मेरा बउआ है अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत समय हो गया।
वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग का बहुआ आएगा 14 फरवरी को। वो संदेश भेज चुका है अपना, 14 फरवरी को ही मैं बाहर आऊंगा। आपने कोई गिफ्ट दिया, मैं ही आपको गिफ्ट दे दूंगी उस दिन, जिंदगी भर का गिफ्ट। चलो अब चलते हैं खाना खाने, फिर मिलते हैं आज इनके साथ। नाइट वॉक पे भी जाना है, तो वॉक करते समय आगे की कहानी हम बताएंगे क्या हुआ इनके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो ये कल का वो व्लॉग था, यानी कि सैटरडे को मैं रो रही थी और संडे को ये व्लॉग अपलोड होगा, और अभी मैं इसकी एंडिंग कर रही हूँ एकदम खुशी मिजाज में। कल रो रही थी, कल सुबह से ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। एक तो मेरे पैरों में जो रह रहे के दर्द हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से ना मैं सो पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना करवट ले पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेन रह रहा है। तो कल मेरा एकदम से चिड़चिड़ापन सा हो गया था मेरे अंदर, अजीब सा, मतलब एकदम मन उब सा गया। और फिर उसके बाद से मैं सब्जी छौंक रही थी, तब तक मुझे खांसी आ गई। खैर आई खांसी सब्जी की वजह से नहीं थी, और अचानक से पता नहीं कैसे थूक सरक गया था मेरा और मुझे खांसी आ गई। तब इन्होंने मुझे डांट दिया। डांट क्या दिया, इनको लगा कि सब्जी की वजह से मतलब इसको खांसी आ रही है, सब्जी के छौके की वजह से खांसी आ रही है, पर ऐसा था नहीं। और ये, और मैं वहीं खड़ी होकर खांस रही थी क्योंकि मुझे पानी पीना था। तो इन्होंने चिल्ला दिया कि वहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट नहीं रही है, वहीं पर रह के खास होगी, ये है वो है। तो मेरे को मतलब दिन भर की जो चीज़ें थी वो प्लस इनका डांटना, सारी चीज़ें एक ही साथ हो गई मिक्स, और फिर वो मेरा वो अंदर से पूरा तूफान निकल गया बाहर। तो ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद से ये मुझे हंसाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा, बहुत मतलब मनाने की कोशिश की है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये चीज़ें जो भी हैं, अगला दूसरा इंसान सिर्फ देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। सो ये चीज़ें थी, बट कोई नहीं, जैसे इतना 9 महीना निकाल लिया हमने, कुछ दिन की, अब तो 4-5 दिन की बात और है, और हो जाएगा, सब अच्छा होगा, बस भगवान जी सब अच्छा ही करेंगे। कहते हैं ना, कुछ टाइम की तकलीफ, उसके बाद से फिर बहुत बड़ी खुशी मिलती है, ये सो वही वाली चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।